आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हिल के बारे में जो ग्रेविटी के नियमों का उल्लंघन करती है। ये एक हिल है जो नदन इंडिया में प्रेजेंट है। इसे मैग्नेटिक हिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होता ऐसा है कि अगर आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करो और न्यूट्रल गियर पे छोड़ दो तो आपकी गाड़ी अपने आप ही अपहिल की तरफ जाने लगेगी। इसी फेनोमेनन की वजह से इसे एंटी ग्रेविटी हिल का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि इस पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड काम करती है जो कि कार जैसे हैवी व्हीकल्स को भी अपनी तरफ खींच लेती है। इसी के चलते आर्मी के प्लेन्स भी इस एरिया के ऊपर से नहीं उड़ते हैं ताकि उनके नेविगेशन डिवाइसेस खराब ना हो जाएं। ये जगह लेह सिटी से 90 माइल्स दूर श्रीनगर लेह हाईवे पर प्रेजेंट है। ये एक अपवर्ड लुकिंग स्लोप है जहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी को इंजन बंद करके पार्क करते हैं तो वो 12 माइल्स पर आर की स्पीड से ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगती है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीजन है? वेल, इसके पीछे का कोई भी साइंटिफिक रीजन अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए दो थियोरीज काम करती हैं। सबसे पहली थियोरी है मैग्नेटिक फोर्स। लोकल्स बिलीव करते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स काम करती है जो कि कार जैसे हैवी ऑब्जेक्ट को भी अपनी ओर खींचने के लिए सक्षम है, जिसकी वजह से आर्मी के प्लेन्स भी इसके ऊपर से गुजरना अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, इस बात का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ अब तक किसी को भी नहीं मिल पाया है, जो कि ले आता है हमें अपनी दूसरी थियोरी पर। दूसरी थियोरी है ऑप्टिकल इल्यूजन। अब जो लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट होने को नहीं मानते, वो लोग कहते हैं कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। एक्चुअल में ये एक डाउन हिल है, लेकिन आसपास के सराउंडिंग का अनइवन होने की वजह से हमें ये अपवर्ड स्लोप दिखाई देता है, यानी कि इस सड़क का होराइजन सामने के पहाड़ों की वजह से नहीं दिखता है, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि ये एक अपवर्ड स्लोप है, जबकि एक्चुअल में ये एक डाउनवर्ड स्लोप है। इस थियरी को भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि इस थियरी को प्रूव करने के लिए एक रेफरेंस के लिए प्लेन सर्फेस चाहिए रहेगा। लेकिन क्योंकि ये जगह हाई एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये प्लेस अभी तक भी मिस्ट्री बनकर सामने आती है। अब अगर आपको भी ये स्ट्रेंज फेनोमिनन एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और इसको खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।